13th फाइनेंस कमीशन में टोटल 88,583 करोड़ रुपया कर्नाटक को मिलता था। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, 88,583 करोड़ रुपया मिलता था और आज 14th फाइनेंस कमीशन में 2,19,506 करोड़ रुपीज, मतलब 1,30,923 करोड़ का इंक्रीज है। मैं श्रीमान सिद्धरामैया से ये पूछना चाहता हूं कि सिद्धरामैया जी, ये पैसा जा कहां रहा है? किसान को नहीं मिल रहा है, दलित को नहीं मिल रहा है, ट्राइबल को मिल नहीं रहा है, गरीब को ग्रांट नहीं मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ नहीं रहा है, इरिगेटेड लैंड में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ये पैसा जा कहां रहा है? कर्नाटक की जनता आपसे जवाब चाहती है। इश्यू को डाइवर्ट करने से कर्नाटक की जनता का भला नहीं होगा। आपने स्पष्ट रूप से, मैंने सार्वजनिक रूप से आपको पूछा है कि 88,583 से 2,19,506, मतलब 1,30,923 करोड़ का इंक्रीज जो हुआ है वो कहां गया है?